नदी के किनारे में 5.5 लाख दियों से जगमगा रहा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। रामनगरी के राम रंग में पिरोने के लिए हजारों स्कूली बच्चों में भी काफी भूमिका देखी गई। बच्चों ने भगवान राम के जीवन पर आधारित चित्रकारी से अयोध्या को अलौकिक बना दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भगवान राम की नगरी अयोध्या का नजारा जिसने भी देखा देखता ही रह गया। राम की नगरी में दीपोत्सव के तहत नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में 5,51,000 दीप जलाए गए। सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर ही अकेले 4,10,000 दिए जलाए गए। पिछली बार 3,21,000 दिए जलाए गए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने अयोध्या पर रिकॉर्ड दिए के जलाए जाने की घोषणा की। राम की नगरी अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और जनता को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद दीयों को जलाने का काम शुरू हुआ। यहां 5.5 लाख से ज्यादा दीयों को जलाया गया है। इसके साथ ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। दीयों की गिनती पूरी होने के बाद आसमान में जमकर आतिशबाजी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अयोध्या के सभी लोगों और संत समाज को बधाई दी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भाइयों बहनों, अवधपुरी के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं भी कहा कि यद्यपि सब वैकुंड वखाना, वेद पुराण विदित जुग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जानो को जन्मभूमि मुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, जास मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने जिस पवित्र भाव के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने रखा, आजादी के तत्काल बाद सैकड़ों वर्षों की गुलामी के फलस्वरूप जिस सत्य को भारत के आम जनमानस में आजादी के तत्काल बाद जगाने की आवश्यकता थी, उसे जागृत होने में लगभग 67-70 वर्ष लगे। लेकिन आज पूरी दुनिया भारत के इस सांस्कृतिक गौरव का आभास कर रही है। दिवाली पर अयोध्या भगवान राम के रंग में रंगी हुई है। यहाँ 3D टेक्निक से राम कथा का मंचन हुआ। इसके अलावा सरयू तट पर नदी का किनारा 5.5 लाख दियों से जगमगा उठा। राम नगरी को राम के रंग में पिरोने के लिए हजारों स्कूली बच्चों की भी खास भूमिका रही। बच्चों ने भगवान राम के जीवन पर आधारित चित्रकारी से अयोध्या को अलौकिक बना दिया। बता दें, राम के पौड़ी पर 5,51,000 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इसके लिए लंबा वक्त चाहिए था। यही वजह है कि सैकड़ों छात्र छात्राएं दीपकों को व्यवस्थित करने के लिए घाट पर उपस्थित रहे। बकायदा एक चौकोना बनाया गया जिसमें 100 दिए
रखे गए थे और घाट के दोनों तरफ दिए लगाए गए थे। टैक्स रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।